मन बर समुचित व्यवस्था नहीं करे गए हे। महिला मन के नहाए बर परेशानी हुआ थे, काबर की एक ही जगह में नहाए के व्यवस्था करे गए हे। महिला पुरुष एक ही जगह में नहावा थे, दिन भर में सीधा संझा उमन ला खाना मिला थे। जूठा फेंके तपो की व्यवस्था नहीं करे गए हे, जेखर ले जूठन ला खा के कुकुर मन पूरा गाँव में घूमत है, जेखर ले संक्रमण फैले के डर बने हुए है। तो पंचायत के कोनो भी प्रतिनिधि एमा एक्टिव नजर नहीं आवत है, कोनो ला सरोकार नहीं है, बैरिकेड तको की व्यवस्था नहीं करे गए है। कोरबा के करतला ब्लॉक के नून बिर्रा क्वारंटाइन सेंटर की ये मामला आपन ला बताता है। कोरबा जिला के अंतर्गत करतला ब्लॉक के ही मामला, जहां नून बिर्रा क्वारंटाइन सेंटर में अव्यवस्था देखे पर मिला था। महिला मन पर समुचित व्यवस्था नहीं करे गए है, नहाए की व्यवस्था नहीं है, दिन भर में सीधा संझा के खाना मिलते, जूठा फेंके के व्यवस्था नहीं है, जूठन खा के कुकुर मन गांव में घूमत है, जेखर ले संक्रमण के फैले के खतरा बने हुए हैं। पंचायत के कोनो प्रतिनिधि ला सरकार नहीं है, बैरिकेड तको के व्यवस्था यहाँ नहीं करे गए है। चलो एमा पूरा मामला ला लेके सरपंच के का कुछ कहना है, ग्रामीण मन के का कुछ कहना है, यही सुन लेते हैं। अच्छा ये बताइए, आप मन कहाँ से आए हो, कहाँ क्वारंटाइन में अभी क्वारंटाइन? कई दिन हो गए आप मतलब यहाँ क्वारंटाइन में? बताइए आप मन ला कि यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में का परेशानी दिक्कत होती? कै बजे मिला रही खाना पीना? अच्छा, और सुबह चाय नाश्ता कुछ? नहीं मिला रही है। आप मन ला ये नॉन बीरा क्वारंटाइन सेंटर में आप मन ला का दिक्कत होती? दिक्कत तो जो जैसे भैया बताई से सब पूरा होतेगा, लेकिन रात के अधिकतर करके लाइट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। लाइट के कैसे प्रकार से परेशानी होते? लाइट में जैसे 6 बजते हैं, बाद में अंधेरा हो जाते, पूरा लाइट गोल हो जाते हैं। लाइट नहीं रहेगा? देखो लाइट रहे नहीं, लाइट रहते तो एकदम धीमे जीरो पे बतौरत रहते। आप शाम भी तो पूरे निकला थे, कल पर तो मैं खुद बच गए हूँ। कहाँ से बच गए आप मन? सांप पूरा चल गया इस पैर में। पैर में? हाँ, बाद में देखे तब मारे वाला। अच्छा, शाम के लाइट नहीं रहे? हाँ, शाम के लाइट नहीं। कितना दिन हो गए आप मतलब यहीं से प्रॉब्लम झेलते हुए? जब से हम आए शनिवार के आए, शाम के यहाँ रात में आए हैं, तब से हमारा प्रॉब्लम है। अच्छा, अभी दो दिन हो गए नया बावर्ची आए है, तो अपन हिसाब से बढ़िया खिला पिला से सब जैसे जानते घर में वैसे। अगर पहले कुछ कुछ दिक्कत रही थे तो सरपंच या सचिव वगैरह सरपंच वगैरह कुछ कुछ हल करी नहीं होकर, लेकिन पूरा ढंग से हल नहीं हो पाया है। कौन सा प्रकार से आप मतलब परेशानी होती है इस खाना पीना में? खाना पीना में जैसे 11 बजे 11:30 बजे चाय मिल जाए, चाय मिले इतना से, और 3:30 बजे करीबन खाना मिले, और रात के 9:30 बजे करीबन। अच्छा, आप मन के लिए सोए के का व्यवस्था किए हैं? सोए के व्यवस्था तो ऐसे गच्चा होते हर जगह उपलब्ध मिला थे, लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं है। जो प्लास्टिक रखे हैं, कतरी वतरी रखे हैं, वो सब लगा के हम खुद व्यवस्था कर रखा है। अपन खुद के गोदरी कम्बल बिछा के आप मन सोत बसा था? तो आप मन एक शिकायत सरपंच या कोई अधिकारी करा नहीं करे? सरपंच अधिकारी करा नहीं करे, ऐसे तो सरपंच आते हैं यहाँ तो बड़ा बोलसन। अब यहाँ के जो हेड मास्टर गुरु जी है, हेमन चलत रहते हैं, यहाँ फिरत रहते हैं, बात वात करते हैं, मतलब बता हो जाएगा ऐसे बोला रहते हैं। अभी तक तो ऐसे उपलब्ध हो नहीं पाया। अभी आप मन चाहत कहा? चाहत हमन ये आन के मतलब जो अगला क्वारंटाइन सेंटर में जो उपलब्ध हो सब सुविधा जो मिला तो मतलब वो सुविधा हम मतलब मिले, और जल्दी से जल्दी इलाज पानी करा के हम अपन अपन घर जाइए। आप मन प्रवासी मजदूर कहाँ कहाँ से लौटे हैं भैया? मैं और पूरा फैमिली मतलब 5 जन हमन महाराजगंज केवलापुर से आए हैं, भट्टा में काम करते हैं उत्तर प्रदेश। और बाकी मन? बाकी मन गौरीगंज से और लखनऊ तरफ से आए हैं।
कई दिन हो गए आप मन ये क्वारंटाइन सेंटर में रहे? सातवा दिन है हमारे। 7 दिन हो गए आप मन ये परेशानी से झेलते हुए आप? 7 दिन हो गए परेशानी से झेला था। आज 2 दिन हो गए, कल से नया जो गवर्ती आ है अभी खाना बनैया, वो हमारा अपन जैसे जैसे खाना खाना अपन घर में खाते वाते समय में वही खिला। आप मतलब खाना की दिक्कत होती रही तो कैसे करा रहा बाल बच्चा के लिए आप मन के लिए? खाना की जैसे दिक्कत होती रही अगल बगल से यहाँ के जो और कामन से आप कौन आदमी मन से मंगाते रहा? अच्छा, पैसा दे के आप मन बाहर से नाश्ता पानी को मंगाते रहा, वही लही बच्चा मन के लिए देते रहो आप मन भी यूज करते हैं? अच्छा, एक दो दिन एक झक्खर पानी के नाम से सर लेट लटरीफ हो गई और अब के बाद ना सही टाइम में खाना दे थे सर। आप मन के क्वारंटाइन सेंटर में थोड़ा से अव्यवस्था भी है कि गेट में कहीं पे चस्पा नहीं किए गए कि ये क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है, और न ही कहीं में प्रवासी मजदूर के जूठा कांठा अवशिष्ट पदार्थ लग फेंके के गड्ढा खाने गए सर? ये नहीं रही सर कि इन्हें गड्ढा खोदना है और चस्कर लगाना है करके हमारे लिए कर ऐसा टाइप किया जिस अचानक टाइप के लिए सर। ज़्यादा जानकारी कर हमारे संग में जुड़ा थे हमारे डिजिटल रिपोर्टर राम नागरची। राम जी, राम अगर मोर आवाज़ आप मन तक पहुँचा थे तो जानना चाहबो कि ये जो क्वारंटाइन सेंटर में अपन पहुँचे रहे हो तो का कुछ देखे पर मिली से वहाँ? हेलो राम, चलो लगते हमार आवाज उखर तक पहुंच नहीं पाते। तो कोरबा के करतला की ये बात आप मतलब बताए हैं जी हाँ, क्वारंटाइन सेंटर नोन बिर्रा में अव्यवस्था के आलम देखे पर मिले से यहाँ लगातार ये बात आगू आवत रहे से कि अव्यवस्था फैले हुए है, समय में खाना नहीं मिलत रहे से। हालांकि अब खबर दिखाए जाए के बाद फिर से यहाँ व्यवस्था अब देखे पर मिलत है। तो ये जो ही से कोरबा जिला के अंतर्गत करतला के मामला हमारे संग जुड़ चुके हैं राम नगरची। राम आपन वहां पहुंचे रहे हो तो का कुछ अव्यवस्था देखे पर मिली से और अब ये खबर दिखाए जाए के बाद का कुछ असर उखर देखे पर मिला थे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप मतलब ये बताना चाहता हूँ कि सर कोरबा जिला माँ कोरबा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत और बिंगला एक ऐसा ग्राम पंचायत है जहाँ क्वारंटाइन सेंटर तो बना दिए गए हैं लेकिन वहाँ कोई भी प्रकार के व्यवस्था नहीं किए गए। सबसे पहले हम जब वहाँ अंदर वहाँ घुसे तो सबसे पहले तो हमला वहाँ कोई भी प्रकार के जनप्रतिनिधि मन नहीं मिले। दूसरी बात, वहाँ ना तो कोई बैरिगेट लगाए गए हैं और ना ही दीवार में क्वारंटाइन सेंटर में जो उपस्थित जनप्रतिनिधि ओमन के नाम लगे ओमन नहीं लिखे गए। अब जब हम अंदर गए तो वहाँ हमें पता चली कि यहाँ के जो लोगन मन है श्रमिक मन से मल्ला सुबह के नाश्ता 10 बजे मिलके और जो दोपहर के खाना है वो मल्ला सीधा 4 बजे मिलके करके और रात वाला खाना सीधा 10 बजे मिलके। अब हम जब दोपहर से पूछी कि आप मन के यहाँ सोए के का व्यवस्था करके तो मन के द्वारा ये बताएगी कि हम मल्ला सोए की कोई व्यवस्था पंचायत प्रतिनिधि मन के द्वारा नहीं करे गए हैं। हमन स्वयं के अपन जो कपड़ा है तेरा लेकर के आए हैं, कोई लुंगी ला बिछा करके सोवत हन तो कोई पन्नी ला बिछा करके सोवत हन। सबसे बड़ी लापरवाही है मेरे ये देखे पर मिला थे कि ये मन जो खाना खावा थे शासन के द्वारा एक गाइडलाइन बनाई गई थी कि लेबर मन जो श्रमिक मन है ते मन जो खाना खाई तो जो दोना पत्तल है उन्हें एक गड्ढा में फेंकना है लेकिन जनप्रतिनिधि मन एक भी गड्ढा नहीं रखे है और खुले में दोना पत्तल ला फेंके जाते हैं और वही दोना पत्तल ला गाय भी थे और कुत्ता भी जूठा करा थे। ऐसा कुत्ता वो में 2-3 जन हमन ला देखे पर मिली तो 2-3 तो कुत्ता मन जे मन वो जूठा ला खा करके पूरा गली मोहल्ला में घूमा थे। तो कहीं ना कहीं जो संक्रमण अभी मन की सबसे पहली बात तो सर ये बताना चाहूँ कि अभी जे मन आए हैं श्रमिक मन ते मन के सैंपल जांच भी नहीं हुए हैं। अभी ये भी पता नहीं है कि ये मतलब कोरोना के पॉजिटिव है कि निगेटिव है लेकिन सबसे बड़े सवाल ये उठते कि अगर गड्ढा में नहीं फेंके जाते दोना पत्तल्ला और अगर वो कुत्ता खाते खाए के बाद में अगर गाँव में घूमा थे तो वो कर संक्रमण भी पूरा गाँव में फैल सका थे। जी चलो, ये तमाम जानकारी पर आप मन के धन्यवाद।
छोटे से ब्रेक पर यहां रुकथन, फिर आपन बने रहो हमारे संग, देखत रहो न्यूज 36 छत्तीसगढ़ की आवाज। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी जिन न्यूज़ चैनल न्यूज 36 जिन चलाते तेल में बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। एकर से छत्तीसगढ़ी हमारे जिन मातृभाषा है, इमें जब समाचार मिली